न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। सेंधवा किला परिसर में लगातार 4 से 5 कौवों की मौत के बाद अमला हरकत में आया। एसडीएम कार्यालय के नज़दीक मृत कौवों के निरीक्षण प्रशिक्षण के लिए पशु चिकित्सालय से तैनात अधिकारियों ने जायजा लिया। पशु चिकित्सक के मुताबिक जिस तरह की बर्ड फ्लू की चर्चा सभी जगह चल रही है, उस तरह के सिम्टम्स फिलहाल मृत कौवों में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं एक बीमार कौवे का प्रशिक्षण कर पाया गया है कि वो भी किसी अन्य तकलीफ से पीड़ित है। बर्ड फ्लू की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई, परंतु अमला जांच में जुट गया है। मृत कौवों के पास 2 कुत्तों के शव होने से मामला संदेहपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मामले की तह तक जाने के लिए कुत्तों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि खेतिया और पानसमल में भी आज कौवों की मरने की बात सामने आई है। खेतिया में आज चिकित्सालय परिसर में एक कौवा मारा हुआ पाया गया। वहीं पानसमल और बड़पुरा मोहल्ला स्थित नदी किनारे पर 2 कौवे बीमार अवस्था में मिले। जानकारी देने के बाद वहां पर जिला चिकित्सक द्वारा सैंपल लिया गया। चिकित्सक ने बताया कि इस तरह का यह पहला मामला है। अब कौवे के सैंपल लेकर आगे भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा कि मृत्यु किस कारण हुई है। वहां पर मौजूद स्थानीय निवासी आकाश सोलंकी ने बताया कि लगभग 4 बजे के दरमियान उन्होंने देखा कि आसमान से 2 कौवे अचानक नीचे गिर गए, तभी उन्होंने पशु चिकित्सालय में सूचना दी। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बर्ड फ्लू के लक्षणों को सिरे से खारिज किया जा रहा है तो फिर बेड़िया, कसरावत, महेश्वर, अंजड़ और अब सेंधवा में कौवों पर जो गाज गिरी है उसे क्या माना जाए, और खरगोन में बर्ड फ्लू से बचने के लिए कंट्रोल रूम क्यों खोला गया, ये एक बड़ा सवाल शासन प्रशासन के सामने खड़ा होता है। 8वीं राष्ट्रीय केनो सलालम प्रतियोगिता का हुआ आगाज। खरगोन जिले के 2 खिलाड़ियों ने मारी बाजी। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 70 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। खरगोन जिले के महेश्वर नर्मदा नदी में सहस्त्रधारा तट पर भारतीय कायकिंग केनोइंग संघ के तत्वाधान में 8वीं राष्ट्रीय केनो सलालम चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस 4 दिवसीय चैंपियनशिप में 10 प्रदेश के 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पर्धा से पूर्व सभी खिलाड़ियों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन स्पर्धा शुरू होते ही खरगोन जिले के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। स्पर्धा के पहले दिन ही जिले के महेश्वर नगर के 2 खिलाड़ियों ने बाजी मारी। चैंपियनशिप की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश केओकिंग एकेडमी के कोच देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 7 से 8 यूनिट के करीब 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों के खिलाड़ी सम्मिलित है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बेस्ट खिलाड़ियों की रैंकों को जांचा जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को आगामी समय में होने वाली एशियाई ओलंपिक में टिकट मिलने में आसानी हो सके। केनो सलालम प्रतियोगिता के C1 मेन में 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान राज केवट मध्य प्रदेश एकेडमी, दूसरा स्थान हितेश केवट मध्य प्रदेश, वहीं तीसरे स्थान पर यश कामले आंध्र प्रदेश से रहे। उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन थाईलैंड में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए होगा। इस प्रतियोगिता में तेजी से बहते हुए पानी के बहाव में लहरों के बीच में छोटी नाव द्वारा लक्ष्य पूरा किया जाता है। पानसेमल कोविड वैक्सीन लगाने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने दिया प्रशिक्षण। पानसेमल नगर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जनपद पंचायत कार्यालय में आज कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन का किस प्रकार टीकाकरण करना है एवं टीकाकरण में क्या क्या सावधानी रखना है उसका प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से SDM सुमेर सिंह मुजालदा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अरविंद केराड़े, खेतिया से मेडिकल ऑफिसर संजय डोले, BPM राकेश पांडे, VEE गुमान सिंह चौहान एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। न्यूज़ लीडर्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी, खरगोन से वाहिद खान और पानसेमल से राजेश नाहर की रिपोर्ट।